सांगवी छान में अवैध शराब पकड़ने गए पुलिसकर्मियों पर पथराव हुआ, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों को बड़वानी निजी अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। दरअसल जिले के जुलवानिया थाना अंतर्गत अवैध शराब को पकड़ने गए पुलिसकर्मियों पर पत्थर से किया हमला, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। सोमवार की शाम सहायक उपनिरीक्षक राकेश मालवी एवं आरक्षक अरविंद यादव अवैध शराब की पकड़ के लिए सांगवी ठान गए थे। इस दौरान एक दुकान पर भीड़ होने से वहां पर चेकिंग करने गए तो पाया कि निहाल सिंह के यहां पर अवैध रूप से शराब बिक्री हो रही थी, और जिसके बाद दोनों पुलिसकर्मियों द्वारा दुकान की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान लाइट बंद कर दोनों पुलिसकर्मियों पर पथराव दिया गया, जिससे दोनों पुलिसकर्मी घायल हो गए। मौके की सूचना मिलने पर 100 डायल घटनास्थल पर पहुंची और वहीं जुलवानिया पुलिस थाने के बल सहित एसपी दीपक कुमार शुक्ला एवं एसडीओपी पदम सिंह बघेल ने जुलवानिया पहुंचकर घटना की जानकारी ली। वहीं दोनों पुलिसकर्मियों को बड़वानी के निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। क्या घटना हो गई? ग्राम सांगवी में दारू पकड़ने गए थे, वहाँ पे हमारे को पथराव करा। कितने लोग थे? लोग तो अंधेरा था, चारों तरफ से पत्थर फेंक रहे थे। कितने लोग मैं और एक जवान है, क्या नाम? अरविंद यादव। हाँ, जुलवानिया सरकारी अस्पताल में ले गए थे, वहाँ से। वॉइस ऑफ रेड्स के बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।